तो कहते हैं ना, दुखिया को न सताइए दुखिया देगा रोए, दुखिया के मुखिया को पता चला तो तेरी गति क्या होए। तो मेरे मुखिया तो श्री कृष्ण है और मैं उनको अपना बड़ा भाई मानती हूँ। तो भाई अगर मैंने उनसे बोल दिया और रो के बोल दिया ना, तो तुम्हारा क्या होगा तुम नहीं सोच सकते। इसलिए मुझे जो बोलना है सोच समझ के बोलना, क्योंकि मैं कभी गलत किसी को बोलती नहीं हूँ, कभी नहीं। तुम चाहे जितने गलत हो मैं कभी तुम्हें नहीं बोलूंगी, लेकिन तुम लोग पता नहीं क्या खा के आते हो। जो खाने में क्या है ये देखो, ये देखो खा रही है गुड़िया, देखो उड़ाने में पड़ी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? और आज का ब्लॉग स्टार्ट किया है, और आज का ब्लॉग मैंने 9:30 के आसपास स्टार्ट किया है। एग्जैक्ट टाइम नहीं बता पाऊंगी क्योंकि घड़ी नहीं लेके रखी है, और मम्मी मेरी इधर दाल चढ़ा रही हैं, और कल है हरछठ, यानी कि हरछठ होती नहीं है जो लड़कों के लिए व्रत रहा जाता है, तो मम्मी का कल फास्ट भी रहेगा। तो अभी मुझे दीवार पर बनानी भी है। आप लोग क्या कैसे होती पूजा, आप लोग देखिएगा मेरे यहाँ कैसी होती है, और कमेंट कीजिएगा कि आप क्या ऐसे होती कि नहीं। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो कुछ इस तरीके से पहले वाली हर छठ है, क्योंकि एक नहीं कई बनी हुई है हमारे यहाँ, तो इन्हीं को हम लीपेंगे फिर से वापस से। तो इसे हम गोबर से पहले करेंगे, क्योंकि हमारे गोबर से ही बनता है, और कल मंगल है। अगर मंगल ना होता, अच्छा दिन होता, तो मतलब मंगल को अच्छा दिन नहीं माना जाता है उस तरीके से, पता नहीं जो भी होता है, तो उस दिन लीपा नहीं जाता है। तो आज ही लीपेंगे। अभी थोड़ी सी गोबर की स्मेल आती है, बट इट्स ओके, क्योंकि यार ये पूजा है, और ये पूजा बहुत अच्छी पूजा है। तो लड़कों के लिए व्रत रहा जाता है, महुआ वगैरह दही वही जो भी होता है वो आप कल देखिएगा। अभी मैं बना लेती हूँ, लीप लेती हूँ, फिर बताती हूँ। दोस्तों कल मैंने आप लोग को नहीं दिखाया था, इसलिए आज दिखा रही हूँ हरछठ माता कैसे बनाई जाती, कैसे बनाई जाती ये नहीं दिखा सकती क्योंकि बहुत टाइम लगता है। बना दी है वो दिखाती हूँ, पीछे दिख रही है ना, यही है, चलिए दिखाती हूँ। तो दोस्तों यही है हरछठ माता, और कुछ इस तरीके से बनाई है मैंने। ये रंग, मतलब रंग जो था ना वो गिर रहा था, इस वजह से ऐसा है। और यहाँ पर ना मैंने आलता, मतलब आलते से बनाने की कोशिश की, तो वो आलता बहने लगा था, तो इस वजह से पिंक। बाकी अच्छी लग रही है कि नहीं आप लोग बताइए, अच्छी तो लगेंगी। दो चोटियाँ भी बना दी थी मैंने, आपको इसके अंदर क्या क्या दिख रहा है कमेंट करके बताना। मम्मी इसकी अभी पूजा भी करेंगी हरछठ माता की। हम लोग क्या ऐसे ही होता है दीवार पे बना के, अब तो लोग पोस्टर भी लाने लगे हैं, लेकिन दीवार पे बनाना शुभ माना जाता है। झाड़ू लगाने जा रही हूँ, फर्स्ट काम यही है सुबह उठते ही, तो लगा लेते। पता नहीं क्यों सुबह उठते में जुखाम जुखाम सा लगता है, उसके बाद सही हो जाता है। लाल झाड़ू तो दोस्तों आज है 5 सितंबर एंड हैप्पी टीचर्स डे ऑल द टीचर्स इन द वर्ल्ड। और सबसे पहले मेरी पहली टीचर मेरी माँ है, तो उनको हैप्पी टीचर्स डे। और क्या, आज आदि बहुआ का बर्थडे भी है, तो उनको भी हैप्पी बर्थडे। और भी कुछ है क्या है वो है आज क्या है, और हर छठ है, मतलब तीन तीन ओकेजन, एक टीचर्स डे है, और दूसरा आदि बहुआ का बर्थडे, तीसरा हर छठ। तो आज इतना सब, तो मैं आप लोग को बता रही थी कि टीचर्स डे है, तो टीचर्स डे यार बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है तब तक जब तक आप कॉलेज और स्कूल में रहते हो। जब आप कॉलेज कंप्लीट हो जाता है, मतलब आप बेसिकली घर पे रहते हो, तो उस चीज़ को बहुत याद करते हो, है ना। क्योंकि मुझे तो अपने कोचिंग टाइम और क्लासेस में टीचर्स डे सेलिब्रेट करना अच्छा लगता था। और मेरी जो फेवरेट टीचर रही है आज तक की, वो मेरी मतलब 10th और 12th की टीचर थी, कीर्ति मैम। वो मतलब सबसे ज़्यादा फेवरेट मेरी वही थी, कीर्ति मैम। वो हमारी क्लास टीचर थी, और मतलब बहुत अच्छी भी थी, बहुत प्यारी थी। मतलब वो हमें डांटती भी थी, ऐसा नहीं है कि डांटती नहीं थी, कभी लड़कों को लड़कियों के साथ बैठने नहीं देती थी, इतना स्ट्रिक्ट उनका रूल रहता था। और हमेशा लड़कियों को सपोर्ट करती थी, ये चीज़ थी मैम के अंदर। मैम बहुत अच्छी थी, और
मैम को हम लोग बहुत मिस भी करते हैं, क्योंकि मैम ने हम लोग का साथ तो बहुत दिया है, मेरा तो बहुत दिया है, मैं तो ये कहूँगी। और जो लोग लखनऊ में होंगे उनको लखनऊ पब्लिक स्कूल तो पता ही होगा, LPS। तो मैंने आनंद नगर से पढ़ाई की है, जेल रोड जो है और चारबाग के पास पड़ता है, पहले जेल रोड लगता था, अब जेल रोड नहीं लगता, अब आनंद नगर ही लगता है बस। तो वहाँ से मेरा कॉलेज था, स्कूल था, स्कूलिंग मैंने वहाँ से की है। तो वहाँ की चीज़ें मैं बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि वहाँ से ही मतलब बहुत कुछ सीखा मैंने, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मेरे दो दोस्त बनी, बहुत दोस्त नहीं थे मेरे बट हाँ जो भी थे बहुत प्यारे थे, दो थी अनुष्का आयुषी, बहुत अच्छी थी और आज भी मैं उनको मिस करती हूँ, क्योंकि सब अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त हो गए। कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, ये जर्नी है लाइफ, मिलते जाएंगे छूटते जाएंगे लोग, छुपाई वाला सीन होता है लाइफ में। तो अभी चलते काम कर लेते हैं और दिखाएंगे आपको हर छत का पूरा ब्लॉग, तो देखिएगा, बने रहिएगा वीडियो में। चलिए चलते हैं, बच्चे सब खेल रहे हैं, टाइम हो चुका है, झाड़ू लग चुकी है, अब सोच रही हूँ पोछा लगा लूँ और नहा लूँ, है ना, तो चलते हैं निपटा लेते हैं। रिकॉर्डेड है, मम्मी पोछा लगा रही हैं क्योंकि यहाँ पूजा होगी। और ये देखिए कुलियाँ रंगी गई हैं जो कि मम्मी ने रंगी हैं। ये हमारा मंदिर वाला एरिया है, मैं जा रही हूँ काम निपटाने, नहा धो के मिलते हैं। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे हर छठ की पूजा की तैयारी चल रही है, ये महुआ और दही और चीनी के जो चावल होते हैं वो हैं, और अभी इसी को मम्मी पत्ते पे रखेंगी, जो महुआ के पत्ते होते हैं उन पर। कुलियाँ भरी जाती हैं, जितने लड़के हों उनकी 6, और मम्मी ने भरा है सक्षम बब्बू कन्हैया की और हर छठ माता की। तो दोस्तों इसमें कहते हैं जहाँ भी जोता बोया हो वहाँ नहीं जाते हैं और ना ही वो सारा। तो दोस्तों यहाँ पे चल रहा है फर्राटा, जिसकी आवाज आप लोग सुन सकते हैं, बाद में मैं वॉइस ओवर करूंगी, लेकिन अभी फर्राटा चल रहा है। इस दिन बलराम जी का जन्मदिन रहता है और हर छठ पूजा ये लड़कों के लिए ही होती है। आज है हर छठ की पूजा हमारे घर में, मतलब हमारे घर में क्या, सभी के घर में होगी। और कल नहीं परसों जन्माष्टमी है, इस्कॉन में पता नहीं किस दिन है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी लखनऊ में रहते हो, लखनऊ से हो, तो आप भी जा सकते हो इस्कॉन टेंपल। यहाँ क्वालिटी नहीं अच्छी आ रही है लाइट की वजह से, तो इग्नोर कीजिएगा। मैं पूजा कर रही है हर छठ माता की, हमें आरती मत करना। दोस्तों पूजा हो गई समाप्त, आरती हो गई, पूजा हो गई, सब हो गया। ये देखिए मम्मी कर रही हैं, तो ये रही मम्मी, गांठे लगाई जाती हैं तो वही लगा रही हैं। ये लग भी जाता है ना मम्मी, तो दोस्तों हो गई पूजा। ये देखो मेरे कन्हैया बैठे हैं झांक रहे उधर से, ये देखिए मम्मी ने खिला दिया उन्हें। ये व्रत जो है मेनली लड़कों के लिए ही होता है, लड़कियों के लिए कोई व्रत नहीं है, वो मतलब फ्री में आ जाती है ना इसीलिए। पे मम्मी क्या खा रही हो? प्रसाद खा रहे हैं। ये देखिए ये है प्रसाद जो इस तोने में मिलता है, ये है महुआ और चावल का प्रसाद और दही है, पता नहीं इस चावल ब्राउन जो चावल आते हैं ब्राउन राइस वही है। हम भी उड़ा लेते हैं भैया, इस कमरे की लाइट बहुत डाउन है इसलिए लाइट अच्छी नहीं आ रही है, बट कोई बात नहीं बाद में शूट करेंगे। ओके मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों हो गई पूजा कंप्लीट और मम्मी भैया आज तो बढ़िया कत्थर बनी है, इधर आओ। तो भाई नंग धड़ंग आदमी मत आओ इसमें, वरना तो तुम्हारी इज्जत का फलूदा होगा, सब लोग देखते हैं। कैसा लग रहा है पूजा करके? दो दो लड़कों के लिए व्रत है हमारे लिए, अपने कन्हैया के लिए भी है। पूजा जा रहे
क्योंकि भैया इन्होंने कन्हैया की भी वो जो होती है किया जाता है भरा जाता है वो भरा और अभी हम लोग बर्थडे भी है। हाँ आज आदि बउआ का बर्थडे यार, वो लोग हम लोग के लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि हम लोग उनसे दिल से प्यार करते हैं और विश करते हैं हम लोग हैप्पी बर्थडे बउआ आदि हमारी तरफ से, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा तुम्हें मानते हैं, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, मतलब सब लोग मानते होंगे लेकिन हम, मतलब हम लोग बहुत ज्यादा स्पेशल वाला मानते हैं, हम लोग के लिए तो बहुत खास है दोनों छोटे छोटे हमारे। और जब बउआ हुआ था ना सबसे पहले, तो सबसे पहले मम्मी की गोदी गया था क्योंकि पता है बउआ की तबीयत खराब हो गई थी पहली बार जब हुआ था वो, तो फिर उसके बाद उसे डेंटल है, आप लोग अगर कोई लखनऊ में रहते होंगे तो जानते होंगे, वहां ले गए थे और मम्मी पूरे रास्ते उसे जगाते गई थी, उंगली डालते हुए उसके मुंह में कि वो सोए, छोटा बेटा है इसलिए सोए ना, क्योंकि डर लग रहा था उसके अंदर से अजीब सी ना आवाजें आ रही थी हो करके, तो इसलिए। और बउआ तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है, आदि क्या है मैच्योरिटी लेवल ज्यादा है आदि में, आदि गंभीर रहता है, बउआ बचपन से ही नटखट है, मतलब तेज है, जितना वो सीधा नहीं है बिल्कुल भी, मतलब सीधा इन द सेंस सीधा है बट शैतान भी है, मतलब हर बात अब मतलब बड़े लोगों की तरह करेगा वो, कुछ भी बोलेगा, जैसे अभी रक्षाबंधन था तो मुझसे कह रहा है हाँ बहन जी रक्षाबंधन आ रहा है मेरे लिए लाइट वाली राखी लाना, तो मैंने उसके लिए लाइट ही वाली ली थी, अगर आप लोग ने वीडियो में देखा होगा रक्षाबंधन के, तो चश्मा हटा दो, पता नहीं क्यों चश्मा लगा लिया मैंने, आज मैंने कुछ खाया नहीं है ना तो मुझे पतला पतला मतलब पतली लग रही हूँ, वीकनेस लग रही है, तो खा पी लेते हैं फिर मिलते, कुछ लगाया भी नहीं है फेस पे। तो इस व्रत में ये खिचड़ी बनती है येलो वाले चावल, ब्राउन वाले चावल की येलो बता रहे, तो कन्हैया के लिए वो भी ये खाना मम्मी भी खा रही है पर इनको नहीं दिखाएंगे ना, ज्यादा खा रही है मेरी थाली भर के खिचड़ी खा रही है इसलिए कह रही है दिखाओ मत मुझे, ठीक है तो उनको नहीं दिखाएंगे ओके। और मैं अभी खा लेती हूँ थाली, अब थारी भर के थरिया भर ओके। तो हम पहुंच चुके हैं और अभी दिखाएंगे आपको बिल्कुल, ठीक है कैसा लग रहा है शर्मा लाइट थोड़ा कम है, आंटी आंटी हेलो कीजिए, हाँ खाने में क्या है ये देखो, ये देखो खा रही है बुढ़िया, देखो उड़ाने में पड़ी दोस्तों टाइम हो गया है बउआ आदि के बर्थडे पार्टी का केक कटने का, तो यहाँ पे बैलून्स रखे हुए थे बहुत सारे और मैं यहाँ पे बैठ गई, आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, और पहली बार चैनल पे मेरी वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो। तो मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड, अपनी लाइफ स्टाइल, अपने फैमिली व्लॉग्स, फैमिली फंक्शंस की वीडियोस अपलोड करती हूँ हमेशा चैनल पे, और आई होप कि आप लोग को ये वीडियोस पसंद आती होंगी। यहाँ पे बैलून्स जम कर रहे थे, आप लोग देख ही रहे हवा से उड़ रहे थे, बहुत अच्छा भी लगता है। गाइस मैं यहाँ पे खड़े खड़े केक काट रही हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बच्चे बहुत शोर कर रहे थे, गुब्बारे फोड़ रहे थे, इस वजह से बहुत ज्यादा शोर हो रहा था, और बउआ को देखिए कैसे देख रहा है, बउआ बहुत ही ज्यादा क्यूट है, यहाँ पे देख रहे हैं हंस रहा है। चलो देखो इधर, पहले बैठ पहले दादी पहले टीका लगा दे तब केक कटा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे
सिस्टम सिस्टम करो बउआ, सिस्टम आग हो गया। हाँ देखिए, ये बच्चा पार्टी बहुत शोर कर रहा था, यही बच्चा है और यही वो कैमरा मैन है जिसके ऊपर फोकस सिस्टम है के भाई। अरे तू किधर आ रहे हो, देखो इधर किधर, अभी सारे पागल चिल्ला रहे थे। तो दोस्तों, कल था टीचर्स डे और सबसे पहले टीचर तो माँ ही होती हैं और उसके बाद सारे टीचर लाइफ में आते जाते हैं। लाइफ के लेसन जो आपको सिखाए वो हैं आपके टीचर और जो पढ़ाई से रिलेटेड भी। और कल आदि बुआ का बर्थडे था तो मतलब उसी के उपलक्ष्य में भंडारा था, तो भंडारे मतलब भंडारा था। आप लोगों ने देखा ही होगा, जो भी वीडियोस बनाई, थोड़ी बहुत वीडियोस बनाई ही हैं, बहुत सारी नहीं बनाई क्योंकि क्या ही बोलूँ, कुछ चीज़ें ना ही बोली जाए तो बेटर होती है ना, समय उनका जवाब होता है। और मैं यही कहूँगी, जिन्हें मेरी वीडियो देखना पसंद नहीं है वो मत देखो, मैं आपको फोर्स तो करती नहीं हूँ, है ना, तो आप मत देखो। और जिस जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरा पूरा मोहल्ला मतलब जहाँ मैं रहती हूँ उस एरिया के सब लोग मुझे सपोर्ट करते हैं और दिल से सपोर्ट करते हैं, मेरे घर में सब लोग सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए थैंक यू। और एक दो लोग जो हैं, जो मतलब वैसे हैं, तो वो तो सबकी लाइफ में होते हैं हेट फैलाने वाले, कि उनको बस हेट करना है और हेट ही फैलाना है। तो भैया उनसे मैं भी बता दूं कि आप लोग मेरे लिए मैटर नहीं करते, इसलिए आप जो करना है आप करते रहो, वो आपका काम है, और मुझे जो करना है मेरा काम है वो मैं करती रहूंगी, बाकी सब टाइम जवाब देगा, मैं नहीं। तो कहते हैं ना, दुखिया को ना सताइए, दुखिया देगा रोए, दुखिया के मुखिया को पता चला तो तेरी गति क्या होए। तो मेरे मुखिया तो श्री कृष्ण है और मैं उनको अपना बड़ा भाई मानती हूँ, तो भाई अगर मैंने उनसे बोल दिया और रो के बोल दिया ना, तो तुम्हारा क्या होगा तुम नहीं सोच सकते। इसलिए मुझे जो बोलना है सोच समझ के बोलना, क्योंकि मैं कभी गलत किसी को बोलती नहीं हूँ, कभी नहीं। तुम चाहे जितने गलत हो, मैं कभी तुम्हें नहीं बोलूँगी, लेकिन तुम लोग पता नहीं क्या खा के आते हो, जो इतना मतलब निकालते हो मुँह से, लेकिन वो तुम लोग की आदत है। जो जिसकी मतलब कहते नहीं, जो जैसा है, जैसी रही भावना, जैसी जिसकी जैसी भावना होगी वो भगवान की मूर्त को भी वैसे ही देखेगा, तो वही ही होता है इंसानों के साथ, जो जैसा है अंदर से वो सामने वाले पर्सन को भी उसी तरीके से देखता है। और मेरा तो ये है कि सब लोग अच्छे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ जियो, क्योंकि एक लाइफ मिली, इसके बाद कौन कहाँ होता है कुछ नहीं पता होता है। तो बाकी बातें कुछ नहीं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ और लव यू ऑल, जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं उनको थैंक यू सो मच, और बहुत सारा प्यार आप लोग को, बहुत सारी क्योंकि आप लोग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो लोग मैटर नहीं करते उनको मैं ध्यान नहीं देती। बाय बाय बाय।